नहीं है, बिकॉज आप दुनिया ही देख सकती है। आप देखिए एब्सोल्युटली बजट जो अदानी अदानी को लेके जो चर्चा चल रही थी, उसके बीच में भी कुछ 1 लाख करोड़ का बजट जो है गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर यूटी के लिए सैंक्शन किया है। और आप सोच सकते हैं कि कितनी सारी जो प्रोजेक्ट्स बंद थे, क्योंकि हर दफा क्या होता था, इट इज क्वाइट अनफॉर्चुनेट कि जो पैसे लोग चैरिटी में देते थे, एनजीओस को देते थे, उन पैसों का गलत इस्तेमाल हुआ करता था। मतलब बहुत सारी ऐसी एनजीओस हैं जो दरअसल दहशतगर्द तंजीमों के साथ मिली हुई थी कश्मीर में, और लोगों का जो पैसा जो चैरिटी समझ के देते थे, वो पैसा यूज हुआ करता था टेरर दहशतगर्दी फैलाने में। और अभी जो है इन सब चीजों पर शिकंजा कस लिया सिक्योरिटी एजेंसीज ने, और सिक्योरिटी एजेंसीज को एम्पावर करने की जिम्मेदार जो है वो प्रेजेंट गवर्नमेंट है। और जाहिर सी बात है कि कई सारे लोग, अब आपने कॉनमैन किरण पटेल के बारे में सुना होगा, जो वहां पर आके खुद को कहने लगा कि भाई मैं पीएमओ ऑफिस से आया हूँ कश्मीर में, आके उसने सिक्योरिटी वगैरह सब बरामद कर ली अपने लिए, एंड ही स्टार्टेड रोमिंग अराउंड लाइक ऑफिशियल फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। मगर इसको लेके देखो कितना कितनी आवाज उठाई गई, कौन मैन निकला, ये कैसे इसने उल्लू बनाया एजेंसीज को, कैसे इसने सिक्योरिटी ली अपने नाम पे। लेकिन आप सोचिए आज तक हमारी गवर्नमेंट को, हमारे लोगों को, इवन जो भोले भाले कश्मीरी हैं जिनको दहशतगर्दी नहीं चाहिए अपने सरजमीन पर, उनको भी कितने जर्नलिस्ट ने कौन किया है, खुद को जर्नलिस्ट बोलकर दहशतगर्दी फैलाते थे, खुद को लीडर बोलकर दहशतगर्दी फैलाते थे, इनफैक्ट बीजेपी में ज्वाइन करके भी जमाते इस्लामी के साथ लिंक्स थे, दहशतगर्दी फैलाते थे, अच्छी अच्छी पोस्ट पोजीशंस में गवर्नमेंट ऑफिसेस में काम करके भी दहशतगर्दी फैलाते थे। ऐसे कॉनमैन पहले से ही कश्मीर में मौजूद थे, किरण पटेल पहला नहीं है, मैं बता दूं आपको, वो तो बेचारा गुजरात से आया था एंड पकड़ा गया। लेकिन कश्मीर के अंदर ही जो है कश्मीरी लोगों के बीच ही जो रहते थे, कई तो ऐसे थे जो पाकिस्तान से आए थे, खुद को कश्मीरी बोलने लगे। अब जैसे गिलानी साहब का मैं बता दूं, उनका बस लोगों को ये पता है कि वो लाहौर से पढ़ के आए थे। अब उनका कहना है कि वो वहां पैदा भी हुए थे। आपको पता है कि मेरे कुछ रिश्तेदार हैं जो सोपोर से हैं, बहुत ही बुटी नाइन है, मतलब नानी है, नॉट रियल नानी बट नानी की फैमिली से यू कैन से शी इज वेरी ओल्ड। वो कहती है आई डोंट नो ये किसका बेटा है, मतलब ये खुद को बोलता है सोपोर से है, हम तो नहीं जानते कौन सी फैमिली का है, क्या है, कौन है गिलानी। ऐसे भी कॉनमैन आए हैं जो पाकिस्तान से आते हैं, सब ये चीज तो फिर भी समझ में आ गई कि वो लाहौर से पढ़ के 1938 में आया था, लेकिन सबसे बड़ा कॉनमैन तो गिलानी था। आया रहने लगा कश्मीरी खुद को बोल के, फिर इलेक्शंस में भी लड़ा शुपियन से, आई थिंक कहीं से साउथ से कहीं से उसने एमएलए के लिए इलेक्शंस भी लड़े थे। तो आप सोचिए कॉनमैन से भरा होता था कश्मीर एक टाइम पे। लेकिन अब जो है, चाहे अपने आप को जर्नलिस्ट बोल के कोई दहशतगर्दी फैलाए, या अपने आप को कोई कहते हैं ना रिलीजियस लीडर बोल के कोई दहशतगर्दी फैलाए, अब किसी को अपीज नहीं किया जा रहा। ये ऐसी गवर्नमेंट है, और लोगों को भी इसकी वजह से क्या है, सुकून मिलता है। एक देखे लुक फॉरवर्ड टू लाइफ ऑफ सुकून एंड प्रोग्रेस, मतलब वो इस चीज की उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी भी जिंदगी आगे बढ़ेगी सुकून से, जस्ट लाइक अदर स्टेट्स। क्योंकि आम जो कश्मीरी है वो तंग आ चुका था इन बढ़ते कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से, एंड नाउ फाइनली हमें राहत मिली है। तो ये चीज है, अब हम जो है हम डेवलपमेंट की तरफ देख रहे हैं कि कौन कौन से प्रोमिसेस गवर्नमेंट रख रही है, कौन से प्रोमिसेस गवर्नमेंट नहीं रख रही। अब हमारा जो ध्यान है वो उस तरफ है। एंड ये भी सच बात है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें प्रॉमिस की थी 370 हटाने के बाद, वो चीजें पूरी नहीं हुई है। जैसे एम्प्लॉयमेंट को लेकर जो प्रोमिस किए गए थे, इवन बहुत सारा पैसा जो सैंक्शन हुआ था, इवन लास्ट ईयर भी सैंक्शन हुआ था, उससे पहले भी सैंक्शन 28,000 करोड़ इंडस्ट्रियल बजट सैंक्शन किया गया था, उसका क्या हुआ? आप इन लोगों ने रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने एम्बिगुअस रखे, किसी को समझ ही नहीं आते रूल्स एंड रेगुलेशंस कश्मीर में क्या है, किसके पास जाना है, कौन सा लाइसेंस किस चीज के लिए लेना है, किसी को समझ ही नहीं आता। अब इसकी वजह से लोगों के लिए मुश्किल हो रही है लोन लेने में, ये सब चीजें करने, तो फैक्ट्रीज बनी नहीं जिस तरह से बीजेपी ने प्रॉमिस किया था कि भाई यूटी बनाने के बाद यहाँ पर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस आएंगे, वो कुछ बनी ही नहीं, तो वो सारा पैसा जो है वापस सेंटर को चला गया था। तो ऐसी भी चीजें हैं जो उन्होंने पूरी नहीं की, लेकिन सिक्योरिटी को लेकर उन्होंने बहुत राहत दिया है, और सिक्योरिटी की वजह से ही इमार ग्रुप और इस तरह के ग्रुप्स जो है, फॉरेन ग्रुप्स, इवन नेशनल ग्रुप्स सामने आ रहे हैं,
कश्मीर में अब स्विगी आ गया है, जोमैटो आ गया है, कश्मीर में ऐसी बहुत सारी चीजें आ गई हैं जो बाकी के इंडिया में है, डोमिनोज, पिज्जा हट आ गया हमारे यहाँ। तो मतलब ये सब पहले मॉल्स, ठीक है ना, ये सब पहले इट वाज आउट ऑफ आवर इमेजिनेशन कि ये सब हमारे कश्मीर में होगा। सिनेमा, तो एक जैसे आम जिंदगी होती है एक आम इंडियन की, वैसे अब यहाँ पर जिंदगी होती जा रही है, एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट। जी अच्छा याना, एज विमेन मैं आपसे ये सवाल पूछूं, क्योंकि आप कश्मीरी भी हैं और एक महिला भी हैं, तो जो ये सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है कश्मीर में, इसमें महिलाओं की क्या भूमिका निकल कर आ रही है? कितनी औरतें, कितनी महिलाएं कश्मीर से इस धारा में जुड़ रही हैं? देखिए, पहले से ही औरतें जो है, दे हैव ऑलवेज बीन ऑन द फ्रंट फुट। मैंने हमेशा कहा है कि डिस्पाइट बीइंग अ मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट, औरतें कभी पीछे नहीं रही हैं, एजुकेशन के मामले में हो, किसी में भी। जो पेरेंट्स हैं, कश्मीरी पेरेंट्स हैव नेवर एक्चुअली डिफरेंशिएटेड बिटवीन सन्स एंड डॉटर्स, ये हमारे कल्चर में है ही नहीं, ठीक है ना। तो मगर एक ही चीज है कि वेन इट कम्स टू दहशतगर्दी या ड्रग्स, तो औरतों को बोलने का हक नहीं होता था। अगर वो देख रही है कि उसका भाई या उसका शोहर गलत रास्ते पे चल पड़ा है, चाहे वो दहशतगर्दी की तरफ हो या ड्रग्स की तरफ, वो कुछ बोल नहीं पाती थी। शी वॉज अलाउड टू बी इंडिपेंडेंट, शी वॉज अलाउड टू मेक मनी, बट शी वॉज नॉट अलाउड टू मेक एनी डिसीजन फॉर द हाउस, शी वॉज नॉट अलाउड टू टेल एनी वन वॉट टू डू। इनफैक्ट उस पर वो थोपा जाता था कि कहाँ पे शादी करनी है, किससे शादी करनी है, ये चीजें। तो ये सब चीजें अब हट रही हैं, बिकॉज नाउ यू सी, पहले क्या होता था, हमारा जो स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट हुआ करता था, उस पे औरत की पहचान ही नहीं होती थी, उस पे लिखा होता था सो एंड सो सन ऑफ सो एंड सो, देर वॉज नो डॉटर ऑफ, देर वॉज नो वाइफ ऑफ। अब वो चेंज हो गया है, सो औरत को एक पहचान मिल चुकी है। दूसरा, इनहेरिटेंस पहले औरतों को मिलता था, मगर वो भी थैंकफुली वो एक अच्छा काम था जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने किया, वो लड़े थे इस चीज के लिए, लेकिन ही कुड नॉट सक्सीड कंप्लीटली। फिर भी ये चीज थी कि औरत के नाम पे इनहेरिटेंस हो सकती है, लेकिन अगर उसने कश्मीर के बाहर शादी की तो नहीं हो सकती। तो फिर क्या होता था कि लैंड माफिया वगैरह वो सब आकर बेचारे बूढ़े माँ बाप से उनकी लैंड छीन लेते थे कि वैसे भी आप अपनी बेटी को नहीं दे सकते क्योंकि उसने बाहर शादी की है, ऐसी चीजें हुआ करती थी। तो ये सब चेंज हो गया, एंड औरतों को अब इनहेरिटेंस राइट्स मिल गई। जाहिर सी बात है, औरतों को अभी एक मुंह में जुबान मिल गई, नाउ दे कैन बी डिसीजन मेकर्स, नाउ दे आर ऑन द फोरफ्रंट ऑफ द इकोनॉमी। अब अगर उनको कुछ गलत होते हुए दिखता है तो वो कह सकती हैं। कई बार ऐसे भी होता है ना कि घर में, फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ औरत ही एक है, एक बेटी है जो नेशनलिस्ट है, बाकी सारे गलत रास्ते पर हैं। अब उसको वो पावर आ गई कि वो बोल सकती है, आप देश के खिलाफ जा रहे हो, पापा भैया जो भी, आप देश के खिलाफ, अपने बच्चों को बोल सकती है कि देश के खिलाफ काम मत। पहले उनको बोलने का हक नहीं हुआ था। अब आपको पता है, कुपवाड़ा जैसी जगहों पे जो बॉर्डर्स पे होते थे, कुपवाड़ा इज अ डिस्ट्रिक्ट बट उसकी कई जो इलाके हैं वो बॉर्डर एरिया में, वहां पे जबरदस्ती घरों में घुस के एक बच्चे को लिया जाता था। बोलते थे जिहाद के लिए हर एक घर को एक बच्चा देना होता था। अब ये सब रुक गया है। विमेन हैव, तभी तो औरत की मुंह में जुबान नहीं होती थी ये बोलने के लिए, मैं नहीं दूंगी अपना बच्चा, ठीक है आई एम मुस्लिम, आई बिलीव इन अल्लाह, आई बिलीव इन माई रिलीजन, लेकिन आई डोंट बिलीव कि ये जिहाद हो रहा है। उसको ये बोलने का हक नहीं दिया जाता था, लेकिन आज उसको वो हक है। आप सोचिए ना, जिस स्टेट में चीफ मिनिस्टर एक औरत रह चुकी है, वो स्टेट जाहिर सी बात है कि औरत को लेके कहीं कहीं कमियां थी, लेकिन वो कमियां आज पूरी हो गई। जी जी याना, आपने उन चीफ मिनिस्टर की बात की, तो अभी वो आपकी एक्स चीफ मिनिस्टर भी कुछ दिन पहले मंदिर का उन्होंने दौरा किया, और मंदिर में हमने देखा कि शिवलिंग पर वो जल अभिषेक करती हुई नजर आई। महबूबा मुफ्ती की मैं बात करी, महबूबा मुफ्ती मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी, जो कि माने जाते हैं कि जो अनंतनाग में 1986 में हिंदू जेनोसाइड हुआ, उसके लिए उसको जिम्मेदार माना जाता है। और बड़े बड़े जो मीडिया हाउसेस हैं उन्होंने इस पे रिपोर्ट्स भी लिखी हैं, तो इसमें कोई एम्बिग्युटी नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है कि इधर उधर की बात हो। तो उनकी बेटी मंदिर में जल अभिषेक करती नजर आई, कश्मीर में इसका क्या रिएक्शन है इस पूरे सी, मूवमेंट आई का? टेल यू, कश्मीरीज पहले से ही सेक्युलर लोग हैं। उनको डराया जाता था, उनको बोला जाता था कि भाई ज्यादा हिंदुओं की तरह करोगे तो फिर तुम शिर्क कर रहे हो, या तुम मुशरिक हो गए हो, या मतलब मुस्लिम नहीं रहे। ऐसे उनको गिल्टी फील कराया जाता था कि ज्यादा अगर तरफदारी करोगे हिंदुओं की, या ज्यादा उनकी कल्चर में घुलोगे मिलोगे, तो तुम्हारी जो इस्लामियत है वो कम हो जाएगी। तो अनफॉर्चुनेटली क्या है, कश्मीरी अपना सेक्युलरिज्म छुपाने लगा था, जबकि हर एक कश्मीरी खुशी से
जो है पंडितों के त्योहारों में जाता था, पंडितों की शादियों में जाता था। जब कोई पंडित फैमिली में इंतकाल हो जाता है तो उनकी जो लास्ट राइट्स हैं उनको कंधा देना, ये सब एक कश्मीरी मुसलमान कर चुका है। कश्मीरी जो गांव में जो मंदिर है वहां पर कश्मीरी मुसलमानों ने खुद, एक बार जब टेररिस्ट जो है फॉरेन टेररिस्ट आते हैं मंदिर डिस्ट्रॉय करके चले जाते हैं, लेकिन वहां रहने वाले कश्मीरी मुसलमान अपने सर पे पत्थर उठा के, अपने सर पे मूर्ति उठा के फिर से उसको वहां पे स्थापित करते हैं, फिर से उस टेम्पल को रिक्रिएट करते हैं, रेनोवेट करते हैं, रिफर्बिश करने में हेल्प, ये सब काम वो करते हैं। लेकिन उन्हें डराया जाता था कि भाई तुम ऐसे काम कर रहे हो, ये तो हराम है, अस्तगफिर है, ये कैसे काम कर रहे हो। लेकिन आज महबूबा जी ने ये करके मेरी जो है उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट बढ़ी है जस्ट फ्रॉम दिस जेस्चर। आई एम नॉट सेइंग कि इसकी वजह से मैं उनको ट्रस्ट करने लगी हूँ या उनकी इरादों को ट्रस्ट करने लगी हूँ, लेकिन ये जेस्चर जो है इससे जो बाकी जो कश्मीरी है जो सचमुच एक्चुअली दिल से सेक्युलर है उनको एक एक ना एनकरेजमेंट मिलेगी कि वी डोंट नीड टू हाइड आवर सेक्युलरिज्म जस्ट टू शो दैट वी आर ग्रेट मुस्लिम्स। हमें अपनी सेक्युलरिज्म हाइड करने की जरूरत नहीं है, ये चीज जो है उनके करने से सामने आई है। और दूसरा उनका ये करना जरूरी भी है, आई टेल यू व्हाई अंबर। जो शोर मचता है ना, अरे भाई हमें बोला गया जय श्री राम बोले, अरे यार दुबई के शेख सुल्तान ने, उन्होंने जब क्लियरली जय सिया राम बोला है वो भी खुशी से हिंदूज को वेलकम करने के लिए, तो भाई जब जहां पर इस्लाम का आगाज हो हुआ है जिस अरेबिया में, वहां के लोग जब जिनको हिंदू जय श्री राम बोलने में प्रॉब्लम नहीं, यहाँ बड़े आए अपने आप को पता नहीं किस मजहब का समझते हैं कि भाई जय श्री राम बोलना गलत है। तो ये चीजें एक्चुअली दीज आर वेरी रॉन्ग, और ये एक यूनिटी के लिए बहुत खराब है कि भाई हम पर होली का रंग फेंक दिया, अरे तेजाब थोड़ी फेंका है, होली का रंग ही फेंका है। मुसलमानों को ये समझने की जरूरत है, और महबूबा जी ने ये एक एग्जाम्पल रखा है सबके सामने कि मुसलमानों को समझने की जरूरत है कि हम रहते हैं हिंदू लैंड में, बिकॉज आज हम मुस्लिम होंगे लेकिन एक जमाने में हम सबका जो डीएनए था, जैसे मोदी जी कहते हैं हम सबका डीएनए हिंदू ही है, तभी तो हम इंडियन हैं, इंडियन इज एन इंग्लिश वर्ड फॉर हिंदुस्तानी, ठीक है ना। तो ये चीज हमें भूलनी नहीं चाहिए, ये हमारे रिचुअल्स है, हमारे परदादा कर चुके हैं, हमारे एंसेस्टर्स कर चुके हैं, इसमें कौन सी शर्म वाली बात है। सो यही चीज है, यही चीज बिलावल भुट्टो ने भी की, ही वॉज ऑल्सो डूइंग अब पूजा अभिषेक जिसको कहते हैं, आई थिंक लास्ट ईयर का उनका एक वीडियो सामने आया वेर ही वॉज डूइंग इट। सो इट्स अ वेरी नाइस जेस्चर इनडायरेक्टली, दैट अगर एक लीडर दिखा रहा है कि मुझे भाई इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं, तो उसके फॉलोअर्स भी ये समझते हैं कि इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। और हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए लीडर्स को ये करना चाहिए एंड रेगुलरली करना चाहिए। जैसे अगर इट्स नॉट अ बिग डील कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने अपनी फोटो लगा दी सोशल मीडिया पे, फर्स्ट क्लास में हज पे जा रहे हैं, आप सोचिए कश्मीर में बिकॉज ऑफ नो एम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट की वजह से यंगस्टर्स जो हैं वो खुदकुशी कर रहे हैं झेलम रिवर से कूद के, कितने केसेस सामने आए। अच्छा मैं मानती हूं कि इसमें गवर्नमेंट की फेलियर है, लेकिन फारूक अब्दुल्ला क्या करेंगे, सुबह उठेंगे बीजेपी को गाली देंगे, एनजी गवर्नमेंट को गाली देंगे, सो जाएंगे, लेकिन कितना पैसा खर्च करते हैं वो एक फर्स्ट क्लास टिकट में, हज पे जा रहे हैं एक फर्स्ट क्लास टिकट पे, और वही अगर वो इकोनॉमी से गए होते और वो पैसा किसी गरीब को दिया होता, कम से कम उसकी बच्ची या बच्चा मरने से बच सकता था। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल। तो मैं बता रही हूं कि सोशल मीडिया पे फर्स्ट क्लास की टिकट चेपने का क्या मतलब है, इससे किसी को क्या हेल्प होगी। लेकिन महबूबा जी ने जो किया उससे जो है हिंदू मुस्लिम यूनिटी में, हिंदू मुस्लिम यूनिटी बरकरार रह सकती है। सो इट्स अ बिग थिंग, दीज लीडर्स मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट दे पोस्ट एंड व्हाट दे डोंट पोस्ट ऑन सोशल मीडिया मेक्स अ बिग डिफरेंस टू द मासेस। अच्छा याना, आपने कहा कि महबूबा मुफ्ती के इस कदम से हिंदू मुस्लिम यूनिटी मेंटेन हो सकती है, बरकरार हो सकती है, लेकिन जो 1986 में मुफ्ती मोहम्मद सईद के सर जो अनंतनाग का जो ये इतना बड़ा उनके ऊपर जिम्मा है जो कुछ भी हुआ अनंतनाग में, आपको नहीं लगता कि अगर आज वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी को लेकर आगे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं तो जो आई एम श्योर कि उनके सामने सारी चीजें हुई हैं, उनको पता है सारी चीजें, तो आपको नहीं लगता कि उनको जो कुछ भी हुआ पास्ट में उसके लिए उनको जो कश्मीर के हिंदू उनसे माफी मांगनी चाहिए आगे नई शुरुआत करने के लिए? देखिए पास्ट में जो हुआ ना, तब कौन सी गवर्नमेंट थी और आज कौन सी गवर्नमेंट है फर्क है। आज वो गवर्नमेंट है, आज एक हिंदुस्तानी गवर्नमेंट है, मैं हिंदू नहीं बोल रही हूँ, हिंदुस्तानी गवर्नमेंट है। पहले जो है फॉरेन गवर्नमेंट थी इंडिया को जो रूल कर रही थी, एंड व्हाई एम आई सेइंग इट फॉरेन, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ सोनिया गांधी, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ सोनिया, उसके पति भी बाहर पड़े हुए हैं,
ठीक है ना, उसका बेटा भी बाहर पड़ा हुआ है, ठीक है ना, दे बिलोंग टू एब्राहमिक रिलीजन, ठीक है ना, एब्राहमिक रिलीजन, हम मुस्लिम हैं दोनों, लेकिन वी नो फॉर अ फैक्ट कि एब्राहमिक रिलीजन जो है इंक्लूडिंग इस्लाम, वो इस धरती का नहीं है, वो बाहर से आया है, हमें उसमें सुकून मिला तो हमने उसको अपनाया, हमारी फैमिलीज ने उसको अपनाया, उसको एम्ब्रेस किया, बहुत अच्छी खूबसूरत बात है, लेकिन आई एम सेइंग कि वो इस धरती का है नहीं, वो रिलीजन इस धरती का कौन सा रिलीजन है, ठीक है ना, इस धरती की क्या कल्चरल वैल्यूज है, क्या एथॉस है, वो आपको एक ही जो है दुनिया की सबसे बड़ी और आज की तारीख में सबसे पावरफुल सिविल सोसाइटी मानी जाती है आरएसएस, हमारा जो कल्चर है वो आरएसएस में है, ये बात सच है, चाहे हम हिंदुस्तानी मुस्लिम है या हिंदुस्तानी हिंदू है या हिंदुस्तानी क्रिश्चियन है या हिंदुस्तानी सिख है, हमारा जो कल्चर है संस्कृति है वो आरएसएस में है, ठीक है ना, वो पिछली गवर्नमेंट में नहीं था, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये दुनिया को पता चल रहा है, जो अभी अभी जो मैंने बातें की, दैट आरएसएस इज द स्ट्रॉन्ग इज द मोस्ट पावरफुल सिविल सोसाइटी इन द वर्ल्ड टुडे, बिकॉज इट इज सो कल्चरली एनश्राइंड इन इंडिया, ये चीज मैंने नहीं बोली है, ये चीज एक वेस्टर्नर्स बोल रहे हैं, फॉरेन मीडिया में लिखा जा रहा है, अब देखिए वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक राइटर ने एक आर्टिकल लिखा, इनका नाम है वॉल्टर रसल मीड, उन्होंने लिखा है कि आरएसएस जो है दुनिया की सबसे पावरफुल सिविल सोसाइटी है, इस सिविल सोसाइटी में से निकल करके, मतलब एक धरती का जो हमारा कल्चर है वो कल्चर को सीख के उसको निकल के जो पॉलिटिशियंस बने हैं उनसे बना हुआ है बीजेपी, अब मैं ये नहीं कह रही कि बीजेपी में सारे जो हैं वो नेता जो हैं वो कोई भगवान जैसे हैं, ऐसे मैं नहीं कह रही हूँ, मगर जो मेन पोजिशंस पे हैं वो आरएसएस के ही हैं, और वो उनका जो नजरिया है वो कोई हिंदुत्व नजरिया नहीं है जैसे बताया जाता है, ऐसे लोगों के द्वारा बताया जाता है जो एक्चुअली इंडियन नहीं है, बाहर से बैठ के कतारी लोग बोलते हैं, फलस्तीनी लोग बोलते हैं, यूके में बैठे हुए मुस्लिम बोलते हैं, कनाडा में बैठे हुए मुस्लिम बोलते हैं, अरे तुम्हें क्या पता कि हमारा क्या कल्चर है, और हमारे राहुल जो गांधी भी मुस्लिम ब्रदरहुड से बोको हराम से उसकी तुलना कर देते हैं। राहुल गांधी तो भारत में ही पले पड़े, बड़े अफसोस की बात है। आई थिंक वो बाहर पड़े हैं, आई डोंट नो बाहर क्यों, बाहर पड़े हैं लेकिन भारत में जन्मे हैं, पले बड़े हैं, तो थोड़ा तो कुछ तो होना चाहिए। उनको नहीं है हमारी कल्चर, आई एम सॉरी टू से, मैं मानती हूँ कि उनकी फैमिली में बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई है देश के लिए, लेकिन दे आर नॉट एग्जैक्टली दे आर दैट एलीट क्लास, इंडियंस विल लुक एट देम एज एलीट क्लास, नॉट एज हमारे लीडर जो हमारे बीच में से निकले हैं, वी डोंट लुक एट देम लाइक दैट, लेकिन आरएसएस को हम ऐसे देखते हैं, और इनका जो नजरिया कोई हिंदुत्व नजरिया नहीं है, इनका नजरिया अगेन इसी वॉल्टर रसल मीड ने बोला है कि इनका जो नजरिया है, जब इनका इंटरव्यू लिया जाता है ये की बात करते हैं कि इंडिया को कैसे ग्लोबल सुपर पावर बनाना चाहिए, इंडिया में कैसे लोगों की इकोनॉमी अच्छी बेहतर होनी चाहिए, लोगों को सारे हक मिलने चाहिए, और जब वो लोग ये सब बातें करते हैं वो हिंदू और मुस्लिम बोलते ही नहीं, आरएसएस वाले ना हिंदू ना मुस्लिम कुछ नहीं बोलते, बस बोलते इंडिया, ठीक है ना, ये आरएसएस है, इसमें से निकला है बीजेपी का जो मेन जो हेड है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द नेतास, मुझे पता है कि इसमें बहुत सारे ऐसे भी नेता हैं जिन्होंने सिर्फ करप्शन किया है, जिन्होंने बीजेपी का नाम खराब किया है, ठीक है ना, या जो 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 लोग बीजेपी में यकीन रखना चाहते हैं उनको भी बदनाम किया है, स्पेशली मुस्लिम, तो ऐसे भी लोग हैं, लेकिन द मेन कोर, आप समझ रही हो मैं क्या कहना, द मेन कोर ऑफ बीजेपी जो जो कोर कोर हेड है पेरेंट बॉडी में, वो जो आरएसएस से बिलोंग करते हैं, और आरएसएस जो है इट इज ऐसी संस्था है जो सिर्फ इंडिया को आगे देखना चाहती है और हर एक सिटीजन को प्रॉस्पर करते हुए देखना चाहती है, और ये जो है फॉरेन मीडिया अब समझने लगी, तो अब क्या है, व्हेन यू आर लिविंग विथ पीपल जो हु आर मेजोरिटी हिंदूज एंड व्हेन यू नो के आरएसएस एक ऐसी ऐसी संस्था है जो किसी को अपीज नहीं करती, ठीक है ना, मुसलमानों को अपीज नहीं करती, इसका ये मतलब नहीं कि हिंदूज को अपीज करती है, अब किरण पटेल तो कॉन्वेंट निकला, उसको किया ना अरेस्ट, उसको थोड़ी छोड़ दिया फ्री, वही मैं कह रही हूँ कि किसी को अपीज नहीं करती, लेकिन सोशली हमें ये पता है कि वी आर लिविंग इन अ प्लेस जहां पे हिंदू ज्यादा हैं, ये हमारे ही भाई बहन है, अगर हम ये बात समझते हैं कि ये हमारे ही भाई बहन है, तो जाहिर सी बात है उनके त्योहारों में हिस्सा लेना इज पार्ट ऑफ आवर कल्चर, अगर हम खुद को इंडियन बोलते हैं हमें इंडियन गवर्नमेंट से सारी ना सारे राइट्स चाहिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर, तो पहले तो हमें मानना होगा हम इंडियन हैं, एंड हाउ कैन वी अग्री दैट वी आर इंडियन, बिकॉज वी हैव टू अग्री कि इस्लाम के आने से पहले, इस्लाम की आमद से पहले हम हिंदू थे सारे के सारे,
जिस दिन हम ये मानेंगे तब हम हकदार हैं उन राइट्स के जो हमको इंडियन गवर्नमेंट से मिलते हैं, और जिस दिन हम ये मानते हैं उस दिन हमें होली मनाने में या अभिषेक पूजा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. सो दिस इज अ ट्विस्ट व्हिच इंडियन मुस्लिम्स हैव टू अंडरस्टैंड. बिल्कुल, और ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है और जो बहुत बेसिक और कॉमन प्रॉब्लम है जो मुसलमानों में देखी जाती है, जो कल्चर और रिलीजन को मिक्स कर देते हैं. और अनफॉर्चुनेट है कि भारत में ही ये सारी चीजें पाई जाती हैं, क्योंकि हम वो जगह, वो देश जहां से इस्लाम निकला, एमबीएस की हम बात करते हैं, बल्कि भारत के मुफ्ती मौलाना तो एमबीएस को भी इस्लाम से थोड़ा सा खारिजी करते हुए नजर आते हैं. उसके कितने सारे मौलानाओं ने मेरे शो पे कहा, अरे उसको कहा इस्लाम पता है, वो तो बिका हुआ है यहूदियों के हाथ एंड ऑल दैट. तो एमबीएस को भी अगर इस्लाम से खारिज, इज्राइल से ज्यादा